शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसने तुम्हें मुझसे दूर किया है। इसमें शायद अभी कोई गलती नहीं। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। श्रद्धा ना तो मेरा गुजरा हुआ कल है बल्कि वो मेरा आज है, मेरा आने वाला कल है, मेरी जिंदगी है, मेरी जीवन साथी है श्रद्धा। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं? अपनी वही पुरानी जिंदगी जिसमें मैं कभी था ही नहीं। मैं जानता हूं रोशनी ये बहुत मुश्किल होगा, तुम संभाल लोगी। कमाल है ना अभय तुम्हारे लिए ये सब कहना कि लौट जाओ अपनी जिंदगी में। तो ठीक है अभय, लौट जाती हूँ मैं अपनी पुरानी जिंदगी में, यही चाहते हो ना, तो लौट जाऊंगी अपने उसी अकेलेपन में, उसी अंधेरों में मैं लौट जाती हूँ। और ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम कभी नहीं मुझे देख पाओगे, कभी नहीं। रोशनी, 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 तुम क्या करने जा रही हो? रोशनी, रोशनी, से दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। रोशनी दरवाजा खोलो। रोशनी, ये क्या पागल पर है, दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये लड़की चाहती क्या है? मैंने पहले ही कहा कि लड़की पागल है। अरे बेटा, हम सब मिलके बात करेंगे ना, तुम दरवाजा खोलो। मुझे हमें तो डर लग रहा है कि गुस्से में ये कोई गलत कदम ना उठा ले। रोशनी, अरे हमसे बात तो करो, क्या कर रही हो तुम, दरवाजा खोलो। अरे भाई, इससे पहले कि ये कोई कांड कर दे और हम सब फंस जाए, दरवाजा तोड़ दो। भाई जल्दी जल्दी, रोशनी, रोशनी, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं जानती थी तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। मैं जानती थी कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, और अगर मैं मर गई ना तो तुम भी नहीं रह पाओगे। मैं जानती थी अब, और मैं जानती थी। रोशनी, ये जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, इसे तुम जिंदगी का मजाक बना रही हो, बहुत गलत कर रही हो तुम। और क्या करती बेचारी, और तुमने क्या किया? जब चाहा उसका इस्तेमाल किया और जब चाहा उसे फेंक दिया। यही किया ना तुमने उसके प्यार के साथ? कीर्ति, तुम जरा सोच समझ के बात किया करो। और भाभी, आप अपनी बहू को रोकेंगी नहीं, उसकी हरकतों में उसका साथ देती रहेंगी बस। चिल्लाकर आप हमारा मुंह बंद करवा सकती, पर ये सच है चाची जी कि आज जो रोशनी की हालत है ना, वो अभय के कारण। और अगर आज रोशनी को कुछ हो जाता ना, तो उसका इल्जाम भी अभय पर आता कि उसने मजबूर किया है रोशनी को आत्महत्या करने के लिए। कीर्ति, तुझे अंदाजा भी है तो क्या बोल रही है? अब नहीं, नहीं अभय, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम ना यहां से अलग जाकर अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। हाँ रोशनी, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। अभय, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा हर वादा मेरे जहन में बैठा हुआ है। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, मैं मर जाऊंगी अभय। रोशनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं अभय? अभय,
श्रद्धा तुम्हारा गुजरा हुआ कल थी, लेकिन अब आज मैं हूँ। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी समझने की कोशिश करो। तुम्हारे दिल में मेरा ही नाम है, मैं जानती हूँ। अब तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मुझे थोड़ी ना बचाते। और अगर मैं मर गई ना तो तुम भी नहीं जी पाओगे, मैं जानती हूँ। अब तुम्हारी कीमत मरने से डर नहीं लगता है ना तुम्हें? मरना चाहती हो ना तुम? ठीक है, आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी मरने में। दीदी जान ले लेंगी क्या? क्या कर रही हैं आप? बस कीर्ति, एक शब्द नहीं बोलेगी अब तू बीच में। देखो रोशनी, अब है तुम्हें मिलने से रहे, तो अब जी के क्या करोगी तुम? तो ठीक है, फिर मरो। नहीं, बिल्ली को देख के चिड़िया भी नहीं उड़ती। जैसे खुदक के तुम्हारा प्यार उड़ गया। रोशनी, ये प्यार नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अहंकार है कि कैसे अभय ने तुम्हें छोड़ दिया। इसीलिए तुम अभय को बार बार शर्मिंदा कर रही थी। बस रोशनी, अब तुम्हारा सारा नाटक खत्म। तुम यहाँ पर आई थी अभय के इलाज के लिए, उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए, और अब अभय ठीक हो गए तो इस घर में तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। कीर्ति, तुम्हें कुछ कहना है अपनी पक्की सहेली से? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।